ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में तीन विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। ये विधानसभा उपचुनाव तय करेंगे कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का कितना असर इन चुनाव में पड़ा है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में करीब 60% आबादी ग्रामीण अथवा किसान परिवेश में है। वाम पार्टियों के असर के कारण सुजानगढ़ में किसान आंदोलन की धमक का असर है, लेकिन मेवाड़ के राजसमंद और सहाड़ा में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के बीच कोई बड़ा असर देखा नहीं जा रहा। यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में किसान मूवमेंट को बड़ा मुद्दा बना रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में पंजाब में नगर निकाय के चुनाव हुए। इन चुनावों में किसान आंदोलन का व्यापक असर देखा गया। बीजेपी को इन चुनावों में घोर असफलता हाथ लगी। इन चुनावों में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस को भारी सफलता मिली। वजह रही तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन। पंजाब और हरियाणा में व्यापक स्तर पर किसान आंदोलन चला। राजस्थान में भी दिल्ली NCR से सटे हरियाणा और पंजाब से सटे इलाकों में आंदोलन का असर है, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में इसका असर नहीं देखा जा रहा। जयपुर में हुई किसान सभा भी ज्यादा सफल नहीं हुई। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार अभियान में तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है, जिससे ग्रामीण तबका और किसान वोट को साधा जा सके। ऐसे में किसान वोटों के गणित पर नजर डालना जरूरी है। सुजानगढ़ की बात करें तो यहाँ किसान आबादी बहुसंख्यक है। किसान आंदोलन का भी सुजानगढ़ में असर है। सुजानगढ़ चूरू जिले में आता है। चूरू जिला सटा है हरियाणा राज्य से। जिले में लाल सलाम का भी असर है। कांग्रेस को उम्मीद है कि किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान होगा। राजसमंद की बात करें तो मेवाड़ के राजसमंद में बड़ा तबका ग्रामीण क्षेत्रों में है। हालांकि ग्रामीण बड़ी संख्या में खनिज व्यवसाय में रोजगार प्राप्त करते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि किसान वोट बैंक कांग्रेस का साथ देगा। सहाड़ा में किसानों का गणित देखें तो किसान आंदोलन को लेकर यहाँ भी चर्चा है। कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़कर तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। सहाड़ा में बीजेपी ने जाट वर्ग के नेता को चुनावी समर में उतार कर दांव चला है। कांग्रेस को उम्मीद है कि सहाड़ा के 80% किसान तबके का वोट उन्हें मिलेगा। राजस्थान में किसानों के वर्ग के बीच कांग्रेस का पुराना वर्चस्व रहा है। सामंतवाद और जागीरदार प्रथा के खिलाफ कांग्रेस ने आजादी के बाद किसान नेताओं के साथ मिलकर बड़ा मूवमेंट चलाया। किसान नेता बलदेव राम मिर्धा ने अगुवाई की। आगे चलकर किसान नेता जुड़ गए कांग्रेस से। समय समय पर भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के परंपरागत किसान वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया। बावजूद इसके कांग्रेस कहती है कि किसान और कांग्रेस की राशि एक है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि राहुल गांधी एकमात्र शीर्ष नेता हैं देश के, जिन्होंने किसान आंदोलन के खिलाफ देशव्यापी अलख जगाई है। ये भी दावा है कि कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल लागू नहीं होने दिया। तर्क अपनी जगह है, लेकिन जनता का जनादेश अपनी जगह। परिणाम ही तय करेंगे कि किसानों ने तीनों उपचुनावों में कितना साथ दिया कांग्रेस का। आखिर पगड़ी पहनकर किसानों के बीच वोट मांग रहे कांग्रेस नेताओं को कितना साथ किसान कौम का मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।